चीट फंड कंपनी रोज वैली के जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिलने वाला है। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी ने बृहस्पतिवार को एसेट डिस्पोजल कमेटी को 19 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस तरह से देखा जाए तो रोज वैली में रुपए जमा करने वाले जमाकर्ताओं में अब एक नई उम्मीद जगी है और वे अब अपनी जमा पूंजी वापस मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रोज वैली के हजारों जमाकर्ताओं ने अपनी राशि वापस लौटाने की मांग की है। यह जिम्मेदारी जमाकर्ताओं को उनके रुपए वापस लौटाने की जिम्मेदारी एसेट डिस्पोजल कमेटी को सौंपी गई है। ईडी ने एसेट डिस्पोजल कमेटी को रोज वैली की जब्त संपत्ति की कीमत के तौर पर 19 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक दिया है। बृहस्पतिवार को ईडी के विशेष निदेशक और संयुक्त निदेशक रैंक के अधिकारी एसेट डिस्पोजल कमेटी के ऑफिस गए और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद जमाकर्ताओं को रुपए वापस पाने के लिए निर्देशों का पालन करते हुए वेबसाइट पर आवेदन करने का नोटिस दिया गया। वे वेबसाइट के माध्यम से ही अपने रुपए वापस पाने के लिए दावा कर सकते हैं। उसके आधार पर ही जमाकर्ताओं को उनके पैसे वापस मिलेंगे। बताया जाता है कि वर्ष 2015 के एक मामले के बाद उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप कुमार सीट की अध्यक्षता में एसेट डिस्पोजल कमेटी का गठन किया था। रिफंड प्रक्रिया इस साल की शुरुआत में शुरू होने वाली थी। इसी तरह जस्टिस दिलीप सेठ की अध्यक्षता वाली समिति ने पहले ही चीट फंड कंपनी द्वारा ठगे गए लोगों का पैसा वापस करने के लिए एक वेबसाइट बनाई, जिसके जरिए जमाकर्ता अपने रुपए वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बताया जाता है कि रोज वैली की संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि ईडी के पास जमा है। वहाँ से ईडी ने 19 करोड़ 40 लाख रुपए एसेट डिस्पोजल कमेटी को सौंपे हैं। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के समय पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी द्वारा जब्त किया गया पैसा राज्य की जनता को वापस लौटाया जाएगा। उसके बाद अब रोज वैली के जमाकर्ताओं को उनकी राशि वापस लौटाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। পূজোর আড্ডায় ব্রেক, চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পূজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা, ভরসা দিচ্ছে টাটা টাটা স্টক ছাড়া।